Я! दर्श को पुलवामा में हुआ हादसे को लेकर के पूरा देश पूरे भारत में एकजुटता दिख रही है। कई कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कई गलियों में निकले हुए हैं। आज न्यू आरडी पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे गलियों में गए, उन्होंने भी वंदे मातरम के नारे लगाए, भारत माता की जय बोली। हमारे बीच में स्कूल के चेयरमैन नीरज अग्रवाल साहब है। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे पुलवामा में जो हादसा हुआ है? जो पुलवामा में हादसा हुआ है, मैं इन शहीदों को नमन करता हूँ। सबसे पहले तो जो हादसा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से बात का बहुत दर्दनाक हादसा करा है, जिसे कहते ना क्या कायरता, ये वो पीछे से वार, पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से वार करा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की शुरू से नीति आई है कि पीछे से वार करना। जो ये वीर जवानों को इन्होंने ऐसा हादसा हुआ है, हमारा देश कभी ना भूलेगा और इन लोगों को याद रखेगा। आज न्यू आरडी आपके स्कूल ने कहां का है? न्यू आरडी पब्लिक स्कूल ने इनको नमन करते हुए वेलकम सुभाष पार्क में शहादत दी है, इनको याद रखने के लिए। और कैंडल स्कूल के बच्चे क्या कहना चाहोगे आप? ये जो दर्दनाक सर, ये बहुत बुरा हुआ। और ये पीछे से वार करना, अगर सामने से वार करते तो हम उन्हें उनसे ज्यादा मारते जिन्होंने मारे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ये हमें इससे बहुत दुख है जी। अगर वो उन्होंने पीछे से वार कराया, सामने से करते तो हम भी करते वार। एक बार सारे मिलकर के आवाज लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम। बोल बेटा, मैम क्या कहना चाहेंगे आज जो स्कूल में? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और न्यू आरडी पब्लिक स्कूल इस जघन्य कृत्य के लिए बहुत कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, हम इस दुख की घड़ी में अपने देश के साथ खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए, आर्मी की सेना के लिए जितना संभव हो सकेगा स्कूल और हम अपने डोनेशन के थ्रू, अपने इस मार्च के थ्रू बहुत सारा राहत कोष हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। मगर इस तरीके की हरकत को, इस कायराना हरकत को कभी भी कोई भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक